नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली, साकी समुद्र की। एक दिन मर्दाना ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोह का जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाना ने सोचा कि हम भी ओम सोह का जाप क्यों ना करें। अब मर्दाना भी ओम सोह की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने, फिर वो लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह वाहे गुरु के बताए कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले। इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु की रट लगाई, तब वह फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम जब कभी मनमानी करते हो तभी तुम्हें कष्ट होता है। यदि हमारी आज्ञा में रहो तो तुम्हें कदापि दुख न होगा। गुरुजी के कारण गुरु की करनी की ओर ध्यान से देख शिष्य का कर्तव्य नहीं। शिष्य का कर्तव्य है तो गुरु आज्ञानुसार होना है। इसी प्रकार चलते चलते हम लोग मान सरोवर पर जा पहुँचे, जहाँ परम सुंदर मोतियों का भोग लगा रह हस विद्यमान थे। उस दृष्टि को देखकर मर्दाना गदगद हो गया तथा कहने लगा, हे गुरु, आप धन्य हैं। फिर गुरु जी की आज्ञा से आंखें बंद कर जब क्षण के पश्चात खुली तो हमने हरु नगर के निकट अपने को पाया। हरु देश का बादशाह एक योगी का सिख था। वह योगी सर्वदा था और अपने आप को वह योगी परमेश्वर कहता था और राजा उसी की आज्ञा के भीतर रहता था। उसने राजा को यह निश्चय दिला रखा था कि मेरे बगैर दूसरा कोई भी परमेश्वर वगैरह नहीं है, मैं ही सभी कुछ हूँ। जो कुछ तुम मुझसे मांगो उसी वस्तु को मैं देने वाला हूँ। यह योगी मंत्र मंत्र तंत्र विद्या द्वारा हर एक की मनोकामना पूर्ण करता था। पुत्र पुत्र धन द्वारा यहाँ तक कि यदि बारिश की आवश्यकता हो तो वह योगी बारिश बरसा देता था। गुरुजी ने उस नगर के बाहर जाकर आसन लगा लिया। शने शने ख्याति बढ़ती गई। एक दिन राजा प्रजा दोनों ही गुरुजी के निकट गए। सभी ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, हे राजन, एक बात सुनी गई है कि तुम लोग परमेश्वर को नहीं जपते। तब राजा ने कहा, हे महाराज, हमारा जो गुरु है वही ईश्वर है। उसके अतिरिक्त और कोई भी परमात्मा नहीं है। तब गुरुजी ने कहा, हे राजन, आप लोगों का व्यवहार किसी प्रकार चलता है। राजा ने कहा, हे संजी, हम जल अग्नि प्रकाश पुत्र धन अधिक जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह सभी कुछ गुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त हो जाता है। भाव यह है कि हमारी सभी कामनाएं वे गुरुजी पूर्ण कर देते हैं। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तब गुरुजी ने उस योगी की सारी शक्ति खींच ली। उससे वर्षा रुक गई। जब सभी लोग पानी न मिलने से दुखी हुए, यहाँ तक कि पीने को भी पानी न रहा,
तब राजा ने प्रजा के चंद बड़े आदमी लेकर योगी के पास जाकर कहने लगे, हे योगी जी, हमारे लोग तो मारे प्यासे से मरने लगे हैं, कृपया वर्षा करो। तब योगी ने बहुत यंत्र मंत्र किए, परंतु कुछ पार न बरसाई। राजा प्रजा निराश होकर श्री गुरुजी के निकट आकर प्रार्थना करने लगी। गुरुजी ने कहा, हे राजन, मेह तभी बरसेगा जब तुम लोग वाहिगुरु जी से प्रार्थना करोगे, सत्य नाम का जप करोगे, कड़ाह प्रसाद बनवा कर संगत में बांटो, कीर्तन करो, तब परमात्मा तुम्हारी मन इच्छा पूर्ण करेगा। जब गुरु जी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करके दिखाया गया, तब बहुत वर्षा होने लगी। तब अनेकों ने प्रार्थना की, हे महाराज, आप हमारे पास ही रहो। फिर इसके पश्चात गुरु जी ने अनेक शिष्य बने, राजा भी गुरु जी का शिष्य बन गया। फिर गुरु जी ने अपने पवित्र मिशन का उपदेश दिया। फिर गुरु जी ने उन सबको सेवक बना लिया, सबको कीर्तन करवाकर सद उपदेश दिया तथा कहा, हे सज्जनों, कोई जन्म तथा मरण वाला ईश्वर नहीं होता। स्मरण तो उसी आयोनि का कारण उत्तम है, अन्य का भजन अथवा स्मरण लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। तब राजा ने जावर का थाल भरकर गुरुजी की को भेंटा किया। गुरुजी ने कहा, हे राजन, हमारे पास नाम धन है, इस धन की अब हमें आवश्यकता नहीं। मर्दाना ने कहा, हे महाराज, इनमें से दो चार हीरे ही उठा लो, कभी काम ही आएंगे। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह तो दुखों का रूप है, और अरे मर्दाना, हमने तो तुमको नाम के हीरों का खजाना दिया है, क्या तुम उससे तृप्त नहीं हो? मर्दाना को तत्क्षण ज्ञान हो गया। तब उसने गुरुजी के चरण में बार बार नमस्कार की और क्षमा याचना की। फिर गुरुजी ने उन सभी को उपदेश देकर आगे की ओर प्रस्थान किया। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अमृत वेला चालू हो रहा है 19 से। डेली सुबह 3:30 को अमृत वेला यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा, जो 6 बजे तक होगा। ये 40 दिन होगा, बट हमें हमेशा संभालना है, अभी भी संभालना है। अमृत वेला उठ के नाम जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाहेगुरु सिमरन करना है। जिसका सिमरन चाहिए करो, आप राम कृष्ण राधा, बस सिमरन करो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सबंग गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सबंग गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।